नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी मूलांक से किसी के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। जन्म तिथि से मूलांक पता करने के लिए जन्म की तारीखों को आपस में जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 19 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1+9=10 और 1 और 0 को जोड़कर 1 होगा। इसी तरह किसी महीने की 8, 17, 26 तारीख को पैदा हुए लोगों का मूलांक 8 होगा। इस मूलांक के लोगों पर शनि की खास कृपा रहती है। आइए जानते हैं इस मूलांक से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनि है। अंक ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक के लोग बहुत अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। ये लोग खुद को किसी भी तरह के प्रचार प्रसार से दूर रखते हैं और एकनिष्ठ होकर अपने काम में लगे रहते हैं। यह लोग हर बात को बहुत गंभीरता से सोचते हैं। इस मूलांक के लोग बहुत शांत, गंभीर और निश्चल स्वभाव के होते हैं। इस मूलांक के लोग अपने करियर में धीरे धीरे सफलता पाते हैं। इनके कामों में अक्सर ही रुकावट आती रहती है, लेकिन फिर भी यह लोग किसी तरह की परेशानी से घबराते नहीं है। इस मूलांक के लोग कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हालांकि सामान्यतः लोग इनके कार्यों को अधिक महत्व नहीं देते हैं। इसकी वजह से ये लोग एकांत प्रिय भी हो जाते हैं। यह लोग एकांत में जीवन जीना पसंद करते हैं। ये समाज से अलग थलग से हो जाते हैं और यह लोग किसी लक्ष्य को निर्धारित कर पूरा अवश्य करते हैं। इस मूलांक के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए इन्हें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। मूलांक 8 वाले लोग रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से भी नहीं घबराते हैं। मूलांक 8 के वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। इस मूलांक के लोगों में संग्रह करने की अच्छी प्रवृत्ति होती है। ये लोग फिजूल खर्चे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये लोग जो भी खर्च करते हैं वो बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। इस मूलांक के लोग अपनी मेहनत के बल पर खूब धन संग्रह कर लेते हैं। दोस्तों, परिजनों और भाई बहनों के साथ इनका रिश्ता सामान्य ही रहता है। इन लोगों के मित्र कम होते हैं, उनसे इन्हें लाभ भी कम मिलता है। मूलांक 3, 4, 5, 7, 8 की ओर इनका लगाव ज्यादा रहता है। इन लोगों के प्रेम संबंध स्थायी नहीं रहते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।